फ्रेंड्स, वेलकम टू कलर्स एंड फ्लेवर्स चैनल। आप सबको मेरा नमस्ते। आज मैं आपको बताऊंगी कि मानसून के मेकअप में कौन कौन से प्रोडक्ट सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि मानसून के मौसम में मेकअप करना बहुत आसान नहीं होता है। तो मानसून के मौसम को देखते हुए मैंने कुछ मेकअप प्रोडक्ट सिलेक्ट किए जो बारिश के मौसम में आपके मेकअप के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो ये है मेरा वैनिटी बैग फॉर मानसून। उनके मौसम में यानी बारिश के मौसम में मेकअप कैसे करें उसके बारे में मैं स्टेप बाय स्टेप कुछ टिप्स दे चुकी हूँ। इसके लिए आप मेरा मानसून के मेकअप के स्टेप बाय स्टेप का वीडियो देख लें। तो सबसे पहले बात आती है बेस मेकअप। तो बेस मेकअप में सबसे पहले मैं प्राइमर की बात करूँगी, क्योंकि प्राइमर जो होता है वो आपकी स्किन के ब्रेकआउट वगैरह को भी छिपा देता है और इसके साथ ही आप मेकअप के लिए बहुत अच्छा बेस देता है। और इसको लगाने से ऑयली स्किन का मेकअप भी जो है वो बहुत देर तक टिका रहता है। तो मैंने अपने लिए कलर एसेंस का प्राइमर सिलेक्ट किया है। इसके अलावा मैं एलोवेरा जेल को भी कभी कभी प्राइमर के रूप में यूज करती हूँ। मेरा दूसरा प्रोडक्ट है मेबेलिन की बीबी क्रीम। इसका भी मैं रिव्यू दे चुकी हूँ, ये भी बहुत लाइट बीबी क्रीम है। मेरा तीसरा प्रोडक्ट है लैक्मे का मूस। ये मूस भी बहुत लाइट फाउंडेशन की तरह होता है। इसका भी मैं रिव्यू दे चुकी हूँ, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जा करके इसका वीडियो देख सकते हैं। मैंने ओलिविया का कंसीलर लिया हुआ है जो कि फाउंडेशन और मेकअप बेस दोनों का ही काम करती है। ये वाटरप्रूफ भी है। मेरा चौथा प्रोडक्ट है मेकअप बेस के लिए मेबेलिन का व्हाइट सुपर फेस कॉम्पैक्ट। इसका रिव्यू भी मैं दे चुकी हूँ। अगर आपको बहुत लाइट मेकअप करना है तो आप सिर्फ बीबी क्रीम लगा लें और उसको कॉम्पैक्ट से सेट कर लें। अगर आपको थोड़ा हैवी मेकअप चाहिए तो आप बीबी क्रीम के ऊपर इस मूस को लगा लें। ये लैक्मे का सुपर लग्जीरियस पाउडर फाउंडेशन, इससे भी बहुत अच्छा फ्लॉलेस लुक आता है और ये कुछ कॉम्पैक्ट की तरह दिखता है और इसके नीचे एक स्पंज रहता है। इस स्पंज से आप इस पाउडर फाउंडेशन को वेट करके यानी गीला करके भी लगा सकते हैं और ड्राई करके भी लगा सकते हैं। एक मैंने सनस्क्रीन रखा हुआ है। आपको दिन में और धूप में रहना है तो आप बीबी क्रीम के पहले इस सनस्क्रीन को लगा लें। एक प्रोडक्ट ये है मेरा कंसीलर, ये है लैक्मे एब्सोल्यूट का कंसीलर। अगर आपके डार्क सर्कल्स हैं तो आप इस कंसीलर को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट है मेरा ये मेबेलिन का न्यूड्स आईशैडो पैलेट, का भी रिव्यू मैं दे चुकी हूँ। बारिश के मौसम में थोड़ा लाइट आईशैडो यूज करना चाहिए, तो मैंने इस आईशैडो पैलेट को मानसून के मौसम के लिए सिलेक्ट किया है। इसमें कुछ लाइट और सिमरी कलर हैं जो आप हाईलाइट के लिए यूज कर सकते हैं। मैं इस आईशैडो पैलेट का ये जो पिंक कलर है इसको ब्लशर के रूप में भी यूज कर लेती हूँ और कुछ सेट जो हैं वो हाइलाइटर के लिए यूज कर लेती हूँ। एक मेरे पास ये मेबेलिन का 4 का आईशैडो पैलेट है। ये इसके सारे शेड हैं। कोई भी आईशैडो लगाने से पहले भी यूज कर सकते हैं और कुछ आईशैडो कलर के साथ ये मिक्स मैच करके भी यूज किया जा सकता है। इसके अलावा आप वाटरप्रूफ आईलाइनर भी ले लें, और मुझे मेबेलिन का ये वाटरप्रूफ आईलाइनर भी बहुत अच्छा लगा। इसके कई कलर आते हैं, ब्राउन, ब्लैक, ग्रीन, तो आप उसमें से कोई भी सेट सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये आपके पास कोई भी वाटरप्रूफ आईलाइनर हो तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। मेरे पास एक दूसरा है लोटस का काजल और आईलाइनर। ये काजल का भी काम करता है और आईलाइनर का भी काम करता है। ये है मेरी लैक्मे एब्सोल्यूट की आई आर्टिस्ट लाइनर। इसका जो शेड है वो बर्निस्ड ब्राउन कलर का है, तो ये आईलाइनर पिगमेंटेड है और सिमर लुक देता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है मस्कारा। ब्लैक मस्कारा जो होता है वो आपकी आंखों को बहुत ही अच्छा लुक देता है और इससे आपकी आंखें जो हैं वो बहुत सुंदर लगती हैं। तो आप एक वाटरप्रूफ मस्कारा ज़रूर ले लें। ये मेरे 4 लिप शेड है जो कि मैट में है। ये लोटस का मैट लिप क्रेयान है और सेकेंड वाला सुगर का ब्राउन लिप क्रेयान है। पीच कलर का जो है लैक्मे का सेमी मैट लिप क्रेयान है। और एक मैंने लैक्मे की पिंक कलर की मैट लिपस्टिक भी ली हुई है। मेरे ये 2 लिप लाइनर से एक मोव शेड में है और दूसरा है चेस्टनट कलर में, जो कि मेरी रेड लिपस्टिक और ब्राउन लिपस्टिक दोनों में ही काम आ जाता है। तो इस तरह से मैंने अपने मानसून के वैनिटी बैग को आपसे शेयर किया। आई होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मैंने सारे प्रोडक्ट के नाम
अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, तो आप मेरे वीडियो के नीचे क्लिक करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लें। अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद जो बेल बटन आती है उसको क्लिक कर लें, तो उससे जो मेरे वीडियोज हैं उसके नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी आ जाएंगे। थैंक यू, बाय।